हेलो फ्रेंड्स, और स्वागत है आप सबका इस बिल्कुल नई सीरीज़ में, जिसमें कि सारे वीडियोस हिंदी में बनाए जाएंगे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंट्रोल सिस्टम से, और कंट्रोल सिस्टम का ये पहला वीडियो है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन मैं देने जा रही हूँ कंट्रोल सिस्टम की। और प्रिसाइजली ये सारे पॉइंट्स कवर किए जाएंगे, जिसमें कि हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ अ सिस्टम, व्हाट इज़ अ कंट्रोल सिस्टम, एक कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, कंट्रोल सिस्टम की टाइप्स क्या हैं, और जो टाइप्स हैं उनमें कंपैरिजन देखेंगे हम। उसके बाद उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद हम एक लाइफ एग्जांपल के साथ हम और अच्छी तरीके से समझेंगे डिफरेंस क्या है, क्या फ़र्क है अलग अलग टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम में। तो शुरू करते हैं ये पहला लेक्चर कंट्रोल सिस्टम में, जिसमें कि हम इंट्रोडक्शन समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक कंट्रोल सिस्टम, जब भी हम सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक सिस्टम होता क्या है। इसको समझने के लिए आपने सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है, बिल्कुल आसान है, कि कोई भी यूनिट जिसमें एक इनपुट हो और कुछ ना कुछ आउटपुट वो हमें दे रहा हो, उस यूनिट को हम सिस्टम कहते हैं। बहुत आम तौर पे हम ये बात करते हैं कि उस जगह का सिस्टम बहुत अच्छा है, या उस देश का सिस्टम बहुत अच्छा है, या वहाँ का सिस्टम बहुत ख़राब है। तो किसी भी सिस्टम में एक इनपुट ज़रूर रहता है, एक ब्रॉडर सेंस में, एक बड़े लेवल पे, और आउटपुट जो है उसमें दिया जाता है। अगर आप बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल किसी, कोई फैक्ट्री है जिसमें कि कुछ भी प्रोडक्शन हो रही है, तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो उसका इनपुट है, और जो भी हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल रहा है वो उस सिस्टम का आउटपुट है। तो अब हम एक सिस्टम को किस तरीके से दिखा सकते हैं ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में, वो ऐसे है। तो किसी भी ब्लॉक डायग्राम को, या किसी भी यूनिट, कोई भी यूनिट जिसका एक इनपुट हमने दिया हुआ है और वो हमें आउटपुट दे रहा है, तो वो यूनिट एक सिस्टम कहलाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपका जो कॉलेज है वो भी अपने आप में एक सिस्टम है। आप अगर कॉलेज को देखें, तो कॉलेज का इनपुट क्या है, स्टूडेंट्स, और कॉलेज का आउटपुट क्या है, अगर वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है तो उसका आउटपुट है इंजीनियर्स। तो कॉलेज अपने आप में एक सिस्टम है, जिसमें इनपुट एक स्टूडेंट एंटर होता है, और 4 साल उसके ऊपर पूरी प्रोसेसिंग की जाती है, उसको क्लासेस दे रहे हैं, उसको लैब्स दे रहे हैं, और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, इंजीनियर। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ को आप एक सिस्टम का रूप जो है वो दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जो सिस्टम है वो क्या है। तो ऐसे ही अगर एक इंजीनियरिंग कॉलेज की हमने बात करी है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारे सब सिस्टम्स भी हैं। आपकी लैब्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, कॉमन रूम है, इंजीनियरिंग की जो है स्टूडेंट सेक्शन है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। तो ये सारे जो हैं वो उस बड़े सिस्टम के सब सिस्टम्स हैं, और हर एक सब सिस्टम का अपना एक इनपुट है और अपना एक आउटपुट है, जो कि बाकी सारे इनपुट्स और आउटपुट्स के साथ कनेक्टेड है। और एक बिगर पिक्चर अगर हम देखें, तो एक पूरे एज अ होल बड़े सिस्टम का जो इनपुट है वो स्टूडेंट एंटर हुआ, और आउटपुट पे हमें एक इंजीनियर मिला। तो इस तरीके से हमने समझा कि सिस्टम क्या है। सिस्टम को समझने के बाद ये समझना भी उतना ही ज़रूरी है कि एक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम कब कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। तो अगर हम इन सारे इनपुट्स और आउटपुट को कंट्रोल कर पा रहे हैं, या और प्रिसाइजली बात करें, तो जो आउटपुट हमें मिल रही है, अगर एक वो कंट्रोल्ड वे में मिल रही है, कंट्रोल्ड वे का मतलब ये होता है कि जो आउटपुट हमने डिज़ायर करी, जो हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट है, तो एक्चुअल आउटपुट अगर हम उस डिज़ायर्ड आउटपुट के बराबर निकाल पा रहे हैं और उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो वही सिस्टम जो है वो हमारा, एक ऑर्डिनरी सिस्टम जो है हमारा, वो कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। कंट्रोल सिस्टम जो है, इसमें आप देखें कि किसी भी सिस्टम में, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक इनपुट रहता है और एक आउटपुट अवश्य रहता है। तो अगर इस इनपुट और आउटपुट का आपस में जो रिलेशन है वो लीनियर है, तो हमारा वही कंट्रोल सिस्टम जो है वो लीनियर कंट्रोल सिस्टम
कहलाएगा। तो जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं ये सब्जेक्ट सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, विच इज़ लीनियर कंट्रोल सिस्टम। तो आप हमने सबसे पहले समझा कि एक सिस्टम क्या है और एक कंट्रोल सिस्टम क्या है, और इसी तरीके से एक लीनियर कंट्रोल सिस्टम क्या है। अब हम देखते हैं कि एक कंट्रोल सिस्टम जो है वो कितनी तरह का हो सकता है, क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं एक कंट्रोल सिस्टम की। तो एक जो कंट्रोल सिस्टम है उसकी दो टाइप होती हैं ब्रॉडली, जिसमें कि पहला जो है वो कहलाता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, और जो दूसरी टाइप है हमारे सिस्टम की वो कहलाती है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब इसमें अगर आप देखें कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में फ़र्क क्या है, जो डायग्राम मैंने पहले बनाया जिसमें कि एक ब्लॉक है सिस्टम और इनपुट जा रही है और आउटपुट जा रही है, अगर आप इसको क्लोजली देखें तो इस में आउटपुट का इनपुट के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। इनपुट यहाँ से जा रही है, आउटपुट वहाँ से हम लेते जा रहे हैं। अगर इनपुट पे कोई कंट्रोलर या ऑपरेटर अगर वहाँ पे बैठा है और इनपुट की वैल्यू को वो बढ़ा रहा है या घटा रहा है, तो उसे नहीं पता कि आउटपुट पे क्या वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है वो ओपन सिस्टम है। अब इस ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को हम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कैसे बना सकते हैं, इसमें अगर हम आउटपुट की वैल्यू यहाँ इनपुट पे लगातार बताते रहें कि अब ये वैल्यू है, अब ये वैल्यू है, दैट मीन्स कि अगर हम इस आउटपुट का एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दें इनपुट के साथ, तो इस कनेक्शन को कहा जाता है फीडबैक। और जैसे ही ये फीडबैक दिया जाता है तो हमारा जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है वो एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की शेप ले लेता है, और उसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो ऐसे मॉडिफाई होता है। यहाँ पर अब आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा ये कंट्रोल एक्शन है, यहाँ हमारी आउटपुट जो कि सी से हम डिनोट करते हैं कंट्रोल सिस्टम्स में, जो इनपुट है उसका जो स्टैंडर्ड डिनोशन है वो है आर, आर से हम उसको लिखते हैं, और ये एरर सिग्नल है ई, अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है, और ये है मेजरिंग एलिमेंट। तो हमने यहाँ पे क्या करा, जो भी आउटपुट की वैल्यू है उसको हमने एक मेजरिंग एलिमेंट के थ्रू इनपुट पे दे दिया। अब इनपुट पे हमारे पास दो वैल्यूज़ इकट्ठी हो गई, एक तो जो इनपुट हम ऑलरेडी दे ही रहे थे जो कि आर है, और दूसरी जो हमने आउटपुट से यहाँ पर ले ली। तो अब ये जो दो वैल्यूज़ यहाँ पर एक ही पॉइंट पर अवेलेबल हो गई हैं वो हमने किसको दी, कंपैरेटर को। तो ये ऑफ कोर्स आपको पता होगा, मैं समझती हूँ कि जो एक कंपैरेटर है वो एक समिंग पॉइंट हो सकता है, हम कंट्रोल सिस्टम में समिंग पॉइंट के फॉर्म में, जो कि हम आगे जाके ट्यूटोरियल में समझेंगे कि वो क्या है। तो ये कंपैरेटर का काम क्या है कि ये हर समय कंपेयर करेगा दो वैल्यूज़ को, और वो दो वैल्यूज़ कौन सी हैं, जो एक्चुअल हमारी इनपुट यहाँ पे आ रही है, और दूसरी वैल्यू है हमारी जो यहाँ से हमने आउटपुट से दी। अब जो हमारी डिज़ायर्ड वैल्यू है और जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है, हम ये चाहेंगे कि जो हमारी डिज़ायर्ड वैल्यू है वो यहाँ पर हमें आउटपुट पर मिलने शुरू हो जाए, ठीक है, और जो एक्चुअल वैल्यू है वो डिज़ायर्ड वैल्यू के बिल्कुल क्लोज हो या उतनी ही वैल्यू हमें मिल जाए। और ये दो वैल्यूज़ हर समय कंपैरेटर कंपेयर करता रहेगा और हमें एक एरर सिग्नल जनरेट करके देता रहेगा। तो ये जो एरर सिग्नल है ये ज़ीरो कब होगा, जब दोनों वैल्यूज़ बराबर हो जाएंगी, दोनों वैल्यूज़ मतलब एक्चुअल और डिज़ायर्ड, जैसे ही ये बराबर होंगी जो हमारा एरर सिग्नल है यहाँ पे वो ज़ीरो हो जाएगा। दैट मीन्स कि कंट्रोल एक्शन को कोई भी इनपुट नहीं जाएगी, क्योंकि कोई कंट्रोल एक्शन अब रिक्वायर्ड है ही नहीं अगर हमारी एक्चुअल वैल्यू डिज़ायर्ड वैल्यू के बराबर पहुँच चुकी है, ठीक है। तो जब तक, और अगर जितना डिफरेंस होगा उतना एरर जनरेट होगा, अगर ज़ीरो डिफरेंस है एरर ज़ीरो, अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो एरर ज़्यादा जनरेट होगा और कंट्रोल एक्शन को ज़्यादा इनपुट जाएगा और कंट्रोल एक्शन अकॉर्डिंगली हमें ज़्यादा आउटपुट को रेगुलेट करने में लग जाएगा, जिससे कि हमारी एक्चुअल आउटपुट जो है वो डिज़ायर्ड आउटपुट के पास पहुँच जाए। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है
वो एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम विद अ फीडबैक। फीडबैक मीन्स कि आउटपुट इज़ नाउ टॉकिंग टू द इनपुट, मतलब आउटपुट जो है वो इनपुट के साथ बातचीत कर रहा है कि यहाँ पे ये हो रहा है तुम ये कर दो, यहाँ पे ये हो रहा है तुम ये कर दो। तो इस तरीके से जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है वो एक कंट्रोल सिस्टम की दूसरी टाइप है। सो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब हम देखते हैं इन दोनों का कंपैरिजन। तो हमने देखा सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, टाइप्स, अब हम इनका कंपैरिजन देखेंगे। कंपैरिजन देखने के लिए ये एक टेबुलर फॉर्म में हम बात करते हैं। तो जो एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, हमें ब्लॉक डायग्राम देख के ही ये पता चल रहा है कि वो सिंपल है देखने में, क्योंकि सिंपल है तो उसकी कंस्ट्रक्शन भी सिंपल है और जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की जो कंस्ट्रक्शन है वो सिंपल होती है और इट इज़ चीप, वो सस्ता होता है। इसी तरह से जो हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पर हमने एक कंपैरेटर भी लगाया, फिर हमने फीडबैक में एक मेजरिंग एलिमेंट भी लगाया, जिससे कि उसका जो डिज़ाइन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया और डिज़ाइन कॉम्प्लिकेशन बढ़ने से उसकी कॉस्ट भी ऑब्वियसली बढ़ गई। दूसरा जो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, अब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम अपनी पेस पे काम कर रहा है, इनपुट आ रहा है और आउटपुट जाते जा रहा है, इनपुट को कोई मतलब नहीं कि आउटपुट पे क्या हो रहा है, तो इनस्टेबिलिटी होने का जो यहाँ पे चांस है वो बिल्कुल मिनिमाइज रहता है, बिल्कुल मिनिमल रहता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है वो स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है वो अनस्टेबल होता है अगर हम उसको कंपेयर करें। आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सिस्टम में हम स्टेबिलिटी चाहते हैं और क्लोज लूप सिस्टम जो है वो ओपन लूप सिस्टम से ही बनाया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को या बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है वो स्टेबल होगा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम से, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे और पैरामीटर्स ऐड करे, हमने कंपैरेटर ऐड करा, हमने मेजरिंग एलिमेंट ऐड करा, वहाँ पर एरर जनरेट हो रहा है जिसको हमने, कभी वो बढ़ेगा कभी वो प्रैक्टिकली तो ज़ीरो नहीं होगा, वर्चुअली ज़ीरो होगा या मिनिमाइज होगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से स्टेबिलिटी को एक चैलेंज ज़रूर मिलता है। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को अगर हम कंपेयर करें ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम से तो वो कम स्टेबल होता है। तीसरा जो हमारा पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है वो है एक्यूरेसी। अब इसमें आप देखें कि हम लगातार एरर को मिनिमाइज करते जा रहे हैं, क्योंकि हमने जैसे ही आउटपुट से इनपुट को कनेक्शन दिया तो कंटिन्यूसली जो हमारा कंपैरेटर है लगातार वो उस एरर को मिनिमाइज कर रहा है। तो जब एरर मिनिमाइज होगा तो ऑब्वियसली उसकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ेगी। तो इसीलिए एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ज़्यादा एक्यूरेट है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम से। चौथा जो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है वो है उसका ऑपरेशन। अब एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का जो ऑपरेशन है वो अफेक्ट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉइज़। नॉइज़ क्या है? नॉइज़ वो अनवांटेड सिग्नल्स हैं या वो नॉन लीनियरिटीज़ हैं जो हम नहीं चाहते कि सिस्टम में आए, पर वो आ जाती हैं। तो अगर नॉइज़ सिस्टम में आ रही है, वो अनवांटेड है, तो हमारा जो कंट्रोल मैकेनिज्म है एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में वो ऐसा है कि वो एरर को मिनिमाइज़ करेगा। तो नॉइज़ की वजह से या नॉन लीनियरिटीज़ की वजह से जितने भी एरर आएंगे वो ऑटोमेटिकली, आपने देखा कि फीडबैक में घूम के वो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज़ हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जो है वो एडजस्ट कर लेता है टू द इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ एंड नॉन लीनियरिटीज़ ड्यू टू द फीडबैक मैकेनिज़म। तो ये चार मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बीच में, और यहीं से ही हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस निकल कर आते हैं। अब अगर आपसे कोई भी पूछे कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के क्या एडवांटेजेस हैं ओवर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, तो वो आपको यहाँ से मिलता है। एक तो वो ज़्यादा एक्यूरेट है जो हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, ये एक बड़ा एडवांटेज है, और वो एडजस्ट कर लेता है इट एडजस्ट टू द इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ एंड नॉन लीनियरिटीज़ प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो ये जो हमारा पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 है, ये हैं हमारे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के एडवांटेजेस। और डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें
तो ऊपर वाले दो पॉइंट्स बन जाते हैं हमारे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के डिसएडवांटेजेस। एक तो उसका डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड है जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है, और दूसरा अनस्टेबिलिटी। तो अनस्टेबिलिटी इज़ वन मेजर डिसएडवांटेज ऑफ अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, अगर हम उसकी तुलना करें ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के साथ। तो ये हमारे यहाँ दो टॉपिक्स कवर हुए, कंपैरिजन और दूसरा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। लास्ट पॉइंट जो कि मैंने शुरू में बताया था कि हम बात करेंगे, वो है प्रैक्टिकल एग्जांपल, कि हमने ये समझ लिया कि एक सिस्टम क्या है, एक कंट्रोल सिस्टम क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, कैसे वो आपस में डिफ़र करते हैं, फिर उसके कंपैरिजन क्या है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। बट अगर हम ये देखें कि प्रैक्टिकल लाइफ में एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कैसा होगा और एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कैसा होगा, तो इसका बहुत प्रैक्टिकल सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जो कि आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। फॉर एग्जांपल, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप एक ट्रैफिक लाइट पर रुके, चारों ट्रैफिक लाइट्स जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चारों ट्रैफिक लाइट्स लगी हैं, वो अपने टाइमर के हिसाब से रेड, येलो या ग्रीन होती हैं। उनको ये लेना देना नहीं है कि इस साइड से, फॉर एग्जांपल राइट साइड से अगर ट्रैफिक कम है तो उसको देख के लाइट जल्दी ग्रीन हो जाए, या वहाँ से अगर ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है तो इस साइड वाली लाइट ज़्यादा देर तक रेड रहे, ऐसा कुछ नहीं है। सो इसका मतलब ये कि अपने टाइम पे उन्होंने रेड लाइट, जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो रेड, येलो या ग्रीन कलर चेंज करती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ जितना भी ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा है या नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का, जहाँ पे आउटपुट का इनपुट के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई बातचीत नहीं, इनपुट अपने हिसाब से आ रहा है और आउटपुट अपने हिसाब से आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की बात करें, तो इसका एक एग्जाम्पल ये हो सकता है जैसे कि हमारा ऑटोमोबाइल ड्राइविंग सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल, आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आपके पास सारे कंट्रोल हैं, आपके पास स्टीयरिंग है, आपके पास एक्सीलेटर है, ब्रेक, क्लच, सारा कुछ है। आप ये सोच के चले कि आज मुझे 60 की स्पीड से ऊपर ड्राइव नहीं करना है, तो आप कंटिन्यूसली हर समय अपने स्पीडोमीटर पे नज़र रखेंगे और ये देखते रहेंगे कि क्या मेरी स्पीड 60 से ऊपर तो नहीं जा रही। जैसे ही आपकी स्पीड 60 से ऊपर जाएगी, आप अपना एक्सीलेटर उस हिसाब से कंट्रोल करके अपनी स्पीड को कम कर लेंगे। इसी तरीके से आप आसपास का ट्रैफिक भी देखेंगे, अगर कोई ट्रैफिक ज़्यादा है तो आप स्पीड कम रखेंगे, अगर कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है तो आप एकदम ब्रेक दबाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी आप कंट्रोल एक्शन दे रहे हैं या आप सारे अपने कार को ड्राइव कर रहे हैं, वो आउटपुट के हिसाब से कर रहे हैं, बाहर के ट्रैफिक के हिसाब से आपका सारा मैकेनिज्म जो आपकी कार का है वो वर्क कर रहा है। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का। तो ये सारे एग्जांपल्स के साथ मैं इस आज के ट्यूटोरियल को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। और आज हमने देखा, मैं फिर से सम अप करती हूँ कि एक सिस्टम क्या है, एक कंट्रोल सिस्टम क्या है, अलग अलग टाइप्स क्या हैं, फिर हमने कंपैरिजन किया दोनों का, वहीं से हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस निकाले, और दोनों के एक एक लाइव एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमने यहाँ पर आज देखे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो नई सीरीज़ आज हमने शुरू करी है, जिसमें कि हम सारे वीडियोस हिंदी में बनाएंगे, वो आपको पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो आप ज़रूर इसको शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और ये सारा सब्जेक्ट हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे, हिंदी में ही कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, और जल्दी मिलते हैं हम, तब तक गुड बाय।